ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सो क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग्स के देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग्स बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग्स बट इस वीडियो में हम फाइव ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ठीक है इसका निमोनिक भी बना लेते हैं डक्का ठीक है डक्का निमोनिक है डक्का डी ए डबल सी ए द डी ए डबल सी ए डक्का सो डक्का से हम ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है डक्का है ठीक है डी से डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम क्या डिटर्माइन करते हैं सेलिंग प्राइज एंड प्रोफिटेबिलिटी हमारा कितना है ठीक है ए से असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट को असरटेन करते हैं सी से कॉस्ट कंट्रोल एंड सी से कॉस्ट डिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन और ए से असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग मतलब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में ये मैनेजमेंट की सहायता करता है सो so, ये फाइव ऑब्जेक्टिव्स हम कॉस्ट अकाउंटिंग की याद रखने वाले हैं हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बट हम फाइव ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे निमोनिक क्या है डक्का सो so, पढ़ लेते हैं देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग द मेन ऑब्जेक्टिव आर एक्सप्लेन एज बिलो जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हमने बिलो में एक्सप्लेन किया है वी ऑल्सो नीड टू कीप आर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस भी हम इसमें देख लेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या, क्या क्या है सो so, सबसे पहला है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट को असरटेन करना सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्ूमेलेन एंड असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट को एक्यूमेलेट करना उसको असर्टेन करना कॉस्ट आर एक्यूमलेटेड असाइंड एंड असर्टेन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट सो जो ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम कॉस्ट को सबसे पहले हम एक्यूमलेट करते हैं फिर उसको असाइंड कर देते हैं असरटेन करते हैं ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइज एंड प्रोफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेलिंग प्राइस को डिटर्माइन करना द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटरमाइन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड दस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स सो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है इसको डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट कंट्रोल मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर कॉस्ट कंट्रोल हम कैसे करेंगे डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे एक्सपेंडिचर में सो मेंटेनिंग डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम सो मेंटेनिंग डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर इन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स, डिसिप्लिन मेंटेन करना एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसमें ठीक है इट एन्श्योर्स दैट एक्सपेंडिचर आर इन कंसोनेंस विथ प्री डिटरमाइंड सेट स्टैंडर्ड एंड एनी वेरिएशन फ्रॉम दिस इज नोटेड एंड रिपोर्टेड ऑन द कॉन्टीन्यूअस बेसिस सो हम देखते हैं इसमें ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है जो हमने प्री डिटरमाइन किया था जो हमने डिसाइड किया था कि एक्सपेंडिचर हमारा इतना ही होगा क्या उतना ही हुआ है या कोई वेरिएशन है अगर कोई वेरिएशन है तो फिर हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं कॉन्टीन्यूस बेसिस पे हम रिपोर्ट करते रहते हैं ठीक है मैनेजमेंट को कि क्या वेरिएशन है हमारा प्री डिटरमाइंड में जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमारा एक्चुअल हुआ उसमें वेरिएशन क्या है कॉस्ट रिडक्शन क्या है कॉस्ट रिडक्शन में हम क्या करते हैं इट मे बी डिफ़ाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर यूज इंटेंडेड और डिमिनिशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो ये कॉस्ट रिडक्शन क्या है एक तरीके से ये परमानेंट रिडक्शन है ठीक है परमानेंट रिडक्शन कर देते हैं यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स में जो कि मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर सर्विस रेंडर्ड जो हम कर रहे हैं उसके कॉस्ट परमानेंट रिडक्शन है ठीक है सो कॉस्ट रिडक्शन क्या है इट में भी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग द सुटेबिलिटी फॉर द यूज़ इंटेंडेड और डिमिनिशन द क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट सो कॉस्ट रिडक्शन में हम क्वालिटी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी हम बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं जिस क्वालिटी पे बना रहे हैं लेकिन एक परमानेंट रिडक्शन कॉस्ट में कर देते हैं ठीक है सो so, ये अच्छी बात है कॉस्ट कंट्रोल से ज़्यादा सही है कॉस्ट रिडक्शन क्यों सही है क्योंकि हम इसमें क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल में जबकि क्या होता है हम एक तरीके से मेंटेनिंग डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर सो हम इसमें परमानेंट रिडक्शन की बात नहीं करते हैं हम जो एक्सपेंडिचर है उसी जो हमने प्री डिटरमाइन किया है उसी को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने प्री डिटरमाइन किया था और जो एक्चुअल है उसमें क्या वेरिएशन है अगर वेरिएशन है तो हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं जबकि जो कॉस्ट रिडक्शन है इसमें हम क्या करते हैं ये देखते हैं कि परमानेंट रिडक्शन करने की बात करते हैं ठीक है अब लास्ट क्या है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है मैनेजमेंट को सहायता करता है डिसीजन मेकिंग में ठीक है डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट की हेल्प करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन असिस्ट मैनेजर मैनेजर को असिस्ट करता है इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग मेजरिंग कंट्रोलिंग इवेलुएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ क्या करता है ये प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन में मेजरमेंट में कंट्रोलिंग में और उसको इवेलुएशन में मैनेजमेंट की सहायता करता है सो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग में क्या करता है मैनेजमेंट की सहायता करता है सो so, हम निमोनिक हमारा क्या था डक्का डक्का से हम याद रखेंगे ठीक है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट और डबल सी से क्या हो जाए कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन और असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सो ये ऑब्जेक्टिव्स है फाइव ऑब्जेक्टिव्स है ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के थैंक यू